Assalamu alaykum ya Imam al-Khuda Assalamu alaykum ya Badr al-Duja Assalamu alaykum ya Ka'batuka Assalamu alaykum ya Baqil al-Ilm al-Nabiyin Assalamu alaykum ya Zayn al-Samawati wal-Ard Assalamu Allahumma kama ja'altahu alman li'ibadik ومستودعا لحلمك ومترجما لهويخك فصل عليه افضل ما صليت على احد من ذريه انبيائك واشفيائك ورسولك وامنائك يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صلى الله عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا أمير المؤمنين سيد المرسلين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم يا شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي وابن مولى السلام عليك يا غريب الغربا السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا صاحب العصر والزمان العجال 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 العمان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشيطان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وأعوانك وأنصارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته આપણે જે આપણા રિવાય બયાન કરી છે ને આખરી હિસ્સો જેના માટે મેં કહ્યું કે ઝેનની અંદર ખલેલ પડ્યો હતો તો આ પાંચમા ઇમામની છઠ્ઠી વસ્તુ જે છે એના માટે ખુદા કહી રહ્યો છે કે આ મારા બંદા વલ જન્નતુ મિન્ની વલ તાઅતુ મિનકુમ એ મારા બંદા જન્નતને હું આપીશ ઇતાત તને કરવાની છે ફરમાબરદારી તને કરવાની છે સલ્લલ્લાહુ અલાઈહી વઆલા મુહમ્મદ અલ્લાહુમ્મા સલ્લા डूबी हुई रखूं मैं निशानी रसूल की कुचली हुई है कब्र मुताहर बतूल की सजाद की ये कब्र ये शबर की कब्र है बाकर की ये लहद है ये जाफर की कब्र है हसरत टपक रही है निशानी नहीं कोई उड़ती
है खाक जिससे ये कंकर का ढेर है, बीबी की कब्र है कि ये पत्थर का ढेर है, रोते हैं धाड़ मार के अहमद के उम्मती। रोंदा गया है कब्र को किस जुल्म से यहाँ, पामाल जैसे लाशाए शबीर था वहाँ, है दिन की तेज धूप तो रातों की तीरगी। ये हस्तियां शहीद हैं, रोजे भी हैं शहीद, क्या जालिमों के जुल्म की है इंतहा कोई। अब्बास का जलाल, पीछे हटो ये कब्र है उम्मुल बनीन की। कब्रों का हाल क्या है ये बेदाद देखिए, ये है रसूल पाक की औलाद देखिए, हर कलमा गो को आज है शर्मिंदगी बड़ी। सदियां गुजर गई हैं मगर एतबार है, हमको इमाम असर का बस इंतजार है, तामीर हो बकी की आ जाए वो घड़ी। बस ए कमर के खत्म है अब हद सब्र भी, मरकद में फातिमा के है मोहसिन की कब्र भी, है मुंतजर की तेग के अब मुंतजर सभी। डूबी हुई रहूं मैं निशानी रसूल की, कुचली हुई है कब्र मुताहर बतूल की। इमाम मोहम्मद बाकर नाज़िर एक मरतबा अपने मोतकदीन को और दोस्तों को बहुत ही मुश्किल
सवालात बड़े मालूमाती जवाब दिए। ये एक ऐसी मंजिल थी जहाँ पर उनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे। आपसे पूछा गया कि वो कौन सा रोज़ा था जिसमें खाने पीने की इजाज़त थी। लोगों ने सवाल किया उनसे, इमाम मोहम्मद बाक़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, एक रोज़ा ऐसा था जिसमें खाने पीने की इजाज़त थी, और वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वो रोज़ा था जिसमें उन्हें सिर्फ बात करने की इजाज़त नहीं थी, चुप का रोज़ा, लेकिन खाने पीने की इजाज़त थी। फिर सवाल किया कि इमाम ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो वक्त के साथ घटती जाती है और कभी बढ़ती नहीं। उन्होंने जवाब दिया कि उम्र, उम्र वक्त के साथ साथ घटती है, बढ़ती नहीं है। हालांकि वक्त बढ़ रहा होता है लेकिन उम्र घट रही होती है। फिर सवाल किया कि वो कौन सी चीज़ है जो बढ़ती रहती है और कम नहीं होती। आपने जवाब दिया, समुद्र का पानी, ये बढ़ता ही रहता है, इसमें कभी कमी वाक़ नहीं होती। फिर सवाल किया कि ये बतलाइए कि किसको सिर्फ एक दफ़ा ज़मीन से ऊपर उठा लिया गया, कौन सी शय थी और एक दफ़ा उठाया गया। आपने जवाब दिया कि वो कोहे तूर है जिसे बनी इसराइल के ऊपर सिर्फ एक दफ़ा उठाया गया था और फिर नीचे रख दिया गया। फिर सवाल किया कि इमाम वो कौन से लोग हैं जिनकी सच्ची शहादत को भी झूठा होने का ऐलान कर दिया गया था। आपने जवाब दिया कि ये वो मुनाफिकीन हैं जिनकी ये गवाही कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं तस्लीम नहीं किया गया था और अल्लाह ने उन्हें झूठा कह दिया था। सोचिए नाज़रीन, मुनाफिकीन जो ये गवाही दे रहे हैं, कलमे तैयबा भी पढ़ रहे हैं, कलमे शहादत भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह उन्हें मुनाफिकीन कहकर झूठा करार देता है। फिर आपसे सवाल किया गया कि कब दुनिया की एक तिहाई आबादी मारी गई थी। आपने जवाब दिया कि कभी नहीं, अलबत्त दुनिया की चौथाई आबादी उस वक्त मारी गई थी जब काबिल ने हबील को कत्ल किया था, क्योंकि उस वक्त दुनिया की आबादी सिर्फ चार अफराद पर मुश्तमिल थी। फिर सवाल यह आया नाज़रीन कि मुसलमान ये एतक़ाद रखते हैं कि जन्नत के खाने पीने की चीज़ों से बौल बुराज यानी रफ़ हाजत की ज़रूरत नहीं होगी, क्या ऐसी कोई मिसाल इस दुनिया में भी है। अजीब सा सवाल है नाज़रीन, भाई जन्नत में अल्लाह ताला का निज़ाम कुछ ऐसा है कि वहाँ आप रफ़ हाजत की हाजत ही नहीं महसूस करेंगे, बौल बुराज होगा ही नहीं, लेकिन क्या दुनिया में भी कोई ऐसी मिसाल है, ऐसा हो सकता है दुनिया में। बड़ा मुश्किल सवाल। इमाम बाक़र ने मुस्कुरा के इसका जवाब दिया, पहले तबस्सुम फरमाया और फिर कहा कि हाँ, दुनिया में भी इसकी मिसाल है। लोग बड़े हैरान, कहने लगे जन्नत का तो सुना था, दुनिया में इसकी क्या मिसाल है। फरमाया कि बच्चा अपनी माँ के पेट में खुराक हासिल करता है लेकिन उसे वहाँ पेशाब करने या रफ़ हाजत की ज़रूरत नहीं, खुराक भी हासिल कर रहा है, खा भी रहा है, पी भी रहा है, 9 महीने तक ये सिलसिला जारी है लेकिन रफ़ हाजत तो नहीं हो रही, तो दुनिया में भी इसके एक मिसाल मौजूद है। इमाम बाक़र से फिर सवाल किया नाज़रीन कि वो कौन से दो अशख़ास हैं जो एक ही वक्त में पैदा हुए और एक ही वक्त में मरे, लेकिन एक की उम्र 50 साल और दूसरे की उम्र 150 साल थी। एक ही वक्त में पैदा हुए, एक ही वक्त में मर रहे हैं, लेकिन एक की 50 साल, एक की 150 साल। हज़रत इमाम बाक़र ने जवाब दिया, ये वो दो पैगंबर भाई थे जिनके नाम उज़ैर और अज़ीज़ थे। अल्लाह ताला ने 100 बरस की उम्र में हज़रत उज़ैर को आर्जी मौत दे दी थी, टेम्प्ररी, और जब वो दोबारा दुनिया में आए तो उसी वक्त फौत हुए जब हज़रत अज़ीज़ का इंतकाल हुआ, इसलिए उनकी उम्र में 100 साल का फ़र्क था। हमको इमाम असर का बस इंतजार है, तामीर हो बकी की आ जाए वो घड़ी। जन्नत
बस ए कमर के खत्म है अब हद सब्र भी, मरकद में फातिमा के है मोहसिन की कब्र भी, है मुंतजर की तेग के अब मुंतजर सभी। डूबी हुई रहूं मैं निशानी रसूल की, कुचली हुई है कब्र मुताहर बतूल की। اللهم تغمده برحمتك واسكنه الفسيح من جنتك، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم تغمده برحمتك، اللهم اخلف على عقبه في الغابرين، اللهم اخلف على عقبه في الغابرين، اللهم اخلف على عقبه في الغابرين، وارحمه وارحمنا وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين، عفوك عفوك، الله يرحمه إن شاء الله، اللهم صل. أبقى لي زيادة دشوار، زيادة مشكلة، مولانا تو الحمد لله وسك علم. مقام علمي صبر زيادة، لكن عبد الله ترى مشكلة جاي، لكن الله سبحانه وتعالى أبقى صبر جزيلا نايت كذا إن شاء الله. أين أخوك؟ السلام ورحمة الله وبركاته. بس ميرا بي ايه سوال ہے کہ جب ہم کو یہ سماچار ملتے ہیں فیملی کا انتقال کا تو اس ٹائم پر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صبر مننا چاہیے اور یہ ہے جو ہمارا ذکر مبارک ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اس ذکر مبارک میں جو مستحب ہے صبح 7 مرتبہ، مغرب میں 7 مرتبہ، لیکن اس مصیبت کے ٹائم پر اگر ممکن ہو 7 مرتبہ ذکر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کو انشاءاللہ مؤمنین پرانے بہتر ہے. دوسرے چیز یہ ہے کہ یاد مرگ ہم کو لیے ضروری ہے، جب ہم یاد مرگ کرے گا انشاءاللہ مؤمنین کو لیے وفات مؤمن عبرت ہو جائے گا، وفات مؤمن مؤمن کے لیے عبرت ہے، اور جو عبرت ہوا وہ ثواب ملے گا اموات کے لیے. تیسری بات یہ ہے کہ تھوڑا قرآن پڑھنا چاہیے، سورہ تبارک، سورۃ الملک، اور سورہ عم یتساءلون، سورہ الرحمن، اور سورہ یاسین آپ کا معلوم ہے، یہ سورہ مبارک پڑھنا چاہیے. چودہ کام یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا ذکر مصیبت بی بی زینب کریں انشاءاللہ، کیونکہ بی بی زینب کا مصیبت اتنی بڑا ہے کہ ہمارا مصیبت جو ہے بہت چھوٹے ہے مقابل مصیبت بی بی زینب. جب ہم بی بی زینب کا یاد کریں پھر سب مصیبت ختم ہو جائے، ہم کو مصیبت چھوٹا ملے گا مصیبت بی بی زینب. اللہ آپ کا توفیق زیادہ کرے انشاءاللہ، آپ کا کام کو قبول کرے انشاءاللہ، ہمارا مؤمنین کو سلام دیجیے انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا. یہ ماہ رجب ہے، لیلۃ الرغائب انشاءاللہ کا اعمال اور اعمال ام داود بہت عظیم ہے، جب مؤمنین دعا کرے گا اس کے لیے کہے مقام سید رقیہ کے لیے اور مقام بی بی زینب کے لیے بھی دعا کرے، کیونکہ مقام حجر تو خراب ہوا لیکن ابھی مقام حضرت رقیہ، مقام حضرت زینب کے لیے دعا کرنا پڑے گا. میں نے یہ ایک سنا کہ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے سورہ حشر
سوره حشر کو انشاءاللہ مؤمنین تلاوت کرنا یہ پروٹیکشن مقام حضرت رقیہ و مقام حضرت زینب کے لیے جزاکم اللہ خیر انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ